क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज माता कलीसिया प्रभु प्रकाश का पर्व मनाती है, जिसे यूनानी भाषा में एपिफनी कहा जाता है और जिसे हिंदी में हम देखें तो प्रकटीकरण, बालक यीशु का इस संसार में प्रकटीकरण। हम देखते हैं पुराने व्यवस्थान में ईश्वर मूसा के सामने प्रकटीकरण करते हैं, वे जलती हुई झाड़ी में मूसा को दर्शन देते। प्रभु यीशु अपनी शक्ति का प्रदर्शन या प्रकटीकरण हम देखते हैं कि वे समुद्र पर चलते हुए अपनी शक्ति का प्रकटीकरण करते। प्रभु की दिव्यता की बात करें तो वे अपने शिष्यों के सामने वे प्रकटीकरण करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात उनका जो जीवन है वो परिवर्तन होता है। प्रभु यीशु अपना जो दिव्यता है वह प्रकट करते हैं, अर्थात वे ट्रांसफिगरेशन होते हैं, वे उनके सामने अपना जो जीवन है अपना रूपांतरित होते हैं। और हम देखते हैं प्रभु यीशु अपना मानवता जो प्रकटीकरण करते हैं, वह एक बालक के रूप में वह जन्म लेते हैं। तो जो आज हम ये पर्व मना रहे हैं, प्रभु यीशु के प्रकाश, प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे हैं, यहाँ पर जो विशेष बात यह है कि ज्योतिषी जो लोग रहते हैं वे प्रभु के दर्शन के लिए निकलते हैं, वे तारे को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसे लिखा है कि जब वे राजा हेरोद के पास पहुंचते हैं, वे उनसे पूछते हैं कि यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है, हमने उनका तारा उदित होते हुए देखा है और हम उनका दर्शन करने आए, हम उन्हें दंडवत करने आए। आगे ये भी लिखा है, जब राजा हेरोद यह सुनता है तो वह घबरा जाता है, न केवल राजा हेरोद बाकी पूरा जेरूसलेम घबरा जाता है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार राजा हेरोद उनसे कहता है कि तुम जाओ उस बालक का पता लगाओ और जब तुम्हें पता चले तो मुझे भी इसके बारे में बताना, ताकि मैं जाकर उनका उन्हें दंडवत कर सकूं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, हम देखते हैं कि ये जो तीन ज्योतिषी रहते हैं वे तारे को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। वहां बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उस तारे को देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोगों ने उस पर मनन किया होगा कि ये तारा क्यों उदित हुआ है, ये तारा क्या दर्शाता है। लेकिन ये तीन जो ज्योतिषी रहते हैं उन्हें पता चलता है कि जो राजाओं का राजा का जन्म हुआ है, और इसीलिए वे उन्हें दंडवत करने, उनसे मिलने के लिए वे जाते हैं। और लिखा है जब वे वहां पहुंचते हैं तो वह बालक को चरनी में लेटा हुआ पाते, मां मरियम को और यूसुफ को पाते, और वहां जाकर वे बालक को जो अपने अपनी भेंट लेकर आते, जैसे कि सोना, लोबान और गंधरस लेकर आते, अलग अलग जगह से आते, तो सबसे पहले सोना उन्हें भेंट के रूप में चढ़ाते हैं। हम देखते हैं कोई भी राजा को, हम उस समय राजा को कुछ भेंट दिया जाता था तो सोना के भेंट दिए जाते थे। सोना एक बहुत मूल्यवान वस्तु है और इसीलिए प्रभु येसु को वे समझ जाते हैं, बालक येसु को, कि एक मूल्यवान राजा है और इसलिए उन्हें सोना अर्पित करते हैं। फिर लोबान, कि हम देखते हैं लोबान, हम हमारे चर्चों में भी हम लोबान का जो धूप करते हैं, उसी समय यह दर्शाता है कि एक ईश्वर का जन्म हुआ है या ईश्वर संसार में आए, इसलिए वे धूप चढ़ाते हैं। और गंधरस एक ऐसी वस्तु है कि पुराने जमाने में कोई जिसका जन्म होता है तब, और कोई मर जाते तब उनका लेपन किया जाता है, कि यह दर्शाया जाता है कि ये मनुष्य संसार में आए और इस संसार से एक दिन उसे जाना है। तो इस प्रकार ये अलग अलग भेंट प्रभु यीशु को या बालक यीशु को चढ़ाई जाती है। दूसरी साइड हम देखें तो जो तारा है वह तारा एक मार्गदर्शन के रूप में, वह तीनों ज्योतिषियों का मार्गदर्शन करता है, ज्योतिषी उस तारे को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा हम देखते हैं राजा हेरोद, जो कि अपने आप की जो पोस्ट रहती है, अपने आप का जो पद रहता है उससे कभी गंवाना नहीं चाहता, उससे कोई बढ़कर आगे आना नहीं, कोई आए उसे वह पसंद नहीं, इसलिए उनके अंदर वो जलन की भावना रहती है। और इसलिए वे कहते हैं कि अगर तुमको उसका पता लगे तो मुझे बताना, ताकि मैं जाके उनका दंडवत कर सकूं। यहाँ उनके अंदर वो भावना नहीं थी कि उनको जाके दंडवत करने की, लेकिन उन्हें समाप्त करने की उनकी इच्छा थी, क्योंकि कोई और उनसे आगे बढ़ना, कोई बढ़ जाए, उन्हें वो पसंद नहीं था। तो हम देखते हैं ये तीनों जो ज्योतिषी है, हमें उन ज्योतिषी के समान बनना है। जिस प्रकार वे जागरूक थे, वे खोज में निकलते हैं, उसी प्रकार हमें भी जागरूक बनना है और प्रभु की खोज में निकलना है। दूसरा है तारा, जो दूसरे का मार्गदर्शन करता है, ज्योतिषों का मार्गदर्शन करता है। उसी प्रकार एक ईश्वर के अनुयायी होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोगों का मार्गदर्शन करें, लोगों को ईश्वर के पास लाने का प्रयत्न करें। और तीसरा कि हम अपने जीवन में पवित्रता लाएं,
वो कब आएगा? जब हम ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे, और ईश्वर के दर्शन तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से साफ पवित्र रखेंगे, तभी हम ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे। तो आइए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आज हम ये प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे, विशेष रूप से प्रार्थना करें प्रभु से कि हम भी हमारे अंदर वह जागरूकता आए, वह पवित्रता आए, और हम भी लोगों के लिए एक मार्गदर्शन बन सके और एक पवित्रता का जीवन जी सके। तो आइए ईश्वर से हम इस वरदान के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें।